टाउन मेंडर कमेटी की बैठक नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निगम स्थित सदन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पर चर्चा की गई। योजना के संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि समाज के हर वर्ग के लिए सरकार द्वारा मदद किया जाएगा। उसी कड़ी में यह योजना लॉन्च की गई है। उसी के तहत यह टाउन वेंडरों की बैठक आयोजित की गई है, जिससे इस योजना के नियम कानून को अवगत कराया जा सके। नगर आयुक्त ने बताया कि इस योजना के प्रत्येक टाउन वेंडर को बिजनेस के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। बैठक में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, CEO कैंट सुमित शुक्ला सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, इसके अलावा साथ ही के अलावा बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हो सकते हैं बैंक में या हमारे पास आए लोकेशन से किताब में कला जगत मछली व्यवसाय का काम करता हूँ, मुझे इस योजना में ऋण लेना है, कृपया इस बैंक को लेकर आप उन 9,000 का पहले हमारे पास, तो अगर कोई व्यक्ति आता है और 9,000 में से है तो उसमें तो जांच की जरूरत नहीं है, आप उसका नाम मिलाएगा लेकिन अभी एक बहुत अच्छी योजना आई है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि समाज के हर वर्ग के व्यवसाय के लिए भारत सरकार द्वारा मदद की जाएगी। उसी कड़ी में ये योजना आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि आई है और इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई थी। हम लोग तैयारी के लिए और एक दूसरे को अवगत कराने के लिए कि इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस योजना में कौन कौन लोग अर्ह होंगे और किस तरह हम अपने पटरी व्यवसायी भाइयों को ऋण दिलवा पाएंगे, इस पर विशद चर्चा हुई और इस पर चर्चा करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। संक्षेप में मैं कहूँ तो प्रत्येक टाउन वेंडर को अधिकतम 10,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल ऋण के रूप में दी जाएगी ताकि वो अपना काम काज खरीद फरोख्त कर सके और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। इसमें सरकार की ओर से 7% इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कैशबैक की भी पॉलिसी है कि यदि डिजिटल पेमेंट करता है स्ट्रीट वेंडर, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कैशबैक भी दिया जाएगा, वो 100 रुपये तक अधिकतम होगा। इस प्रकार यदि हम एक गणना करके बताना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यदि 10,000 रुपये ऋण लिया जाता है और उस स्ट्रीट वेंडर को ऋण की सब्सिडी 7% और कैशबैक इंसेंटिव मैक्सिमम 100 रुपये दिया जाता है तो आप ये पाएंगे कि उसको 118% का लाभ होता है। अर्थात यदि वो 100% इंटरेस्ट देता है तो 118% वापस उसको पैसा मिलता है। कुल मिलाकर उसको इंटरेस्ट नहीं देना है बल्कि 18% एक्स्ट्रा मनी मिलनी है। ये इसमें स्थायी निवास की बात नहीं है, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा के अंतर्गत
ठीक है, क्योंकि हम नगर निगम के दृष्टिगत बात कर रहे हैं तो नगर निगम सीमा के अंतर्गत ये गांव के लिए भी है, वहां पर ये कार्य CDO साहब देखेंगे, लेकिन नगर निगम सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर पटरी व्यवसाय का काम कर रहा है तो उसको ये ऋण लेने का अधिकार है। अब ये बात देखनी होगी कि ऋण के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसे चाहिए, तो अभी इसके बारे में जब निर्देश आएगा तो हम आगे आपको अवगत करते हैं।